लखनऊ का घर ज्यादा अच्छा था। ये तो मुर्गी का दड़बा है। अच्छा, इधर आ, जरा झुको। अब दड़बा है तो मुर्गा बांग तो देगा ही। मजाक पापा, यहाँ तो ना ही तितली दिखाई देती है ना ही गिलहरी। कहीं से आकाश दिखता है या नहीं? जरा वो खिड़की खोल के देखो। खिड़की बेटा राम, मुंबई में सबसे पहली चीज सीखो जगह की कदर करना। न्यूयॉर्क से भी ज्यादा महंगी जमीन मिलती है मुंबई में। हाँ, और जापान थर्ड नंबर पर है। हाँ, कुछ नहीं कहो बेटा, अपना फ्लैट है जोरदार। नहीं, अरे हाँ, लेकिन यहाँ इक्की दुक्की करेगी काम, ये टिक्की करेगी आराम। हाँ, और आपके इन स्टूलों की वजह से मेरी साइकिल नहीं आ पाई। अरे नहीं नहीं नहीं, साइकिल की तो यहाँ तुम सोचना भी मत, एक्सीडेंट हो सकते हैं, कहीं तुम्हें कुछ हो गया। पापा, पापा, कम ऑन पापा, नो लेजीनेस। आप वो डाइनिंग टेबल साफ करो, मैं शीशा साफ करता हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ? कुछ नहीं, बस सोच रहा था तुम्हारा एडमिशन कल चल रहा है। यहाँ आप भी चलेंगे? हाँ, क्यों? अब नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा ना। आई कैन टॉक टू द प्रिंसिपल। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तुम डरते हो कि वहाँ बच्चे मुझे देख के हंसेंगे? अरे नहीं बेटा राम, ये मुंबई है, लखनऊ नहीं है। यहाँ किसी को किसी पर न हंसने की फुर्सत है न रोने की। पीपल आर मोर प्रोग्रेसिव, वी आर ब्रॉड माइंडेड। किसी के पास टाइम नहीं है, सब 1, 2 का 4 करने में लगे रहते। पर पापा मैं फिर वही जिद्दी बंदर जेल के अंदर। कहती थी ना तुम्हारी मम्मी। खैर छोड़ो, अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि तुम्हें एडमिशन मिलता भी है या नहीं। मिलेगा, जरूर मिलेगा तुम्हें एडमिशन बेटा, जरूर मिलेगा। पापा, ये बटला रे टिंकू, ये अप्पू राजा, ये बटला रे टिंकू, ये बटला, ये अप्पू राजा। चलो बेटी, मैंने कहा था ना पापा, कोई बात नहीं। बेटे को एडमिशन नहीं मिल सकता है। आपने अपने बेटे की मार्कशीट देखी है? फादर, पप्पू की मार्कशीट मानो 4-5 सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन है बहुत टैलेंटेड। आप इसको एडमिशन जरूर दीजिए। नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नहीं फादर, अगर डोनेशन की बात है तो 20, 50, 80,000 तक का इंतजाम मैं करके आई। देखिए मैडम, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। हू आर यू? स्टैंड अप। सर मैं खड़ा हूँ, आई एम लिटिल शॉर्ट हाइटेड मैन, दैट्स व्हाई। ये मेरा कार्ड है सर। ओह, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर हिमालय, आई एम वेरी सॉरी। ओ प्लीज, आप बैठिए। ओह जीसस, फॉरगिव मी जीसस। बैठिए प्लीज। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सर ये मेरा लड़का है तन्मय। कम हियर बेटा। मॉर्निंग फादर। मॉर्निंग बेटा। सर हम लोग लखनऊ से ट्रांसफर होकर आए हैं, मेरा बच्चा बहुत होशियार है, अगर आपके स्कूल में एडमिशन मिल जाता तो आप इसके मार्कशीट देख सकते हैं सर। ये तो एडमिशन दे ही नहीं रहे हैं जी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अच्छा, यस आपके बेटे को एडमिशन मिल जाएगा। आप फीस जमा कराने का इंतजाम करिए। थैंक यू सर। सर
क्या मैं अपना क्लास आज से शुरू कर सकता हूँ? नहीं तो मेरा एक दिन बेकार जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस बेटा, आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं अपना क्लास। आप इसे ले जाकर सिक्स्थ में बैठा दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। क्या तमाशा प्रिंसिपल साहब, इतने छोटे से आदमी के बेटे को आपने झट से एडमिशन दे दिया और हमारे पप्पू को नहीं दिया? क्योंकि हमारे स्कूल में हाइट और डोनेशन नहीं देखा जाता है, बच्चे का टैलेंट देखा जाता है। यू मे गो नाउ। अच्छा स्कूल है जी, डोनेशन नहीं देखा जाता, टैलेंट देखा जाता है। कोई बात नहीं पप्पू, वैसे भी छोटा सा स्कूल है, मैं तेरे को अच्छे स्कूल में डालूंगा। चल, फीस तो जमा हो गई, अब तुम्हें क्लास में छोड़ दो, क्लास टीचर से मुलाकात भी हो जाएगी। पापा मैं अकेले चला जाऊंगा ना, मेरे पास प्रिंसिपल का नोट भी तो है। प्रिंसिपल का नोट है तो क्या होगा, मैं छोड़ देता हूँ ना, और ना टीचर क्या सोचेगी, कैसा इरिस्पॉन्सिबल बाप है। पापा टीचर को जो सोचना है सोचने दीजिए, मैं अकेले चला जाऊंगा ना। बेटा पापा आप समझते क्यों नहीं, आज पहला दिन है, क्लास में बच्चे होंगे और आप पहले दिन पे ही ऐसे। कैसा रहा स्कूल पहला दिन बेटा? अच्छा। और टीचर कैसी थी, कोई दोस्त वोस्त बना कि नहीं? सब ठीक है पापा, कहा ना। क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? वो सच सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। अरे कुछ नहीं हुआ पापा, एक लड़का आया था लंच ब्रेक में, कह रहा था कि तुम्हारे साथ सुबह आए थे, वो कौन थे? किसी सर्कस में जोकर है क्या, या फिर तुम्हारे डैडी ने तुम्हें हंसाने के लिए रखा है क्या? कहते थे सब ब्रॉडमाइंडेड है यहाँ पे। तो क्या हुआ बेटे, उसे समझा देते। आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए, मैं कल से स्कूल बस में आया जाया करूंगा। क्यों? अरे मैं तुम्हें दफ्तर जाते वक्त छोड़ दिया करूंगा ना बेटे, और लौटते वक्त लेते आया करूंगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी आजकल स्कूल बसेस के बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। पापा मुझे आपके साथ नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते आप, कैसे डैडी हैं आप? तो करो मनमानी, वैसे भी तुम बहुत बिगाड़ दिया तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। अच्छा लौटो फॉर्म। ओके आई एम सॉरी, तुम बस नहीं जाओ लेकिन तुम खुश रहो, तुम आई लव यू माय जान बेटा। मैं एक ही शर्त पे साइन करूंगा कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहोगे, इस तरह मुंह लटका के नहीं बैठोगे। ओके वन टू थ्री। Oh my God. अरे अब क्या होगा? Excuse me. इसीलिए मैंने कहा था कि सीढ़ियों से चढ़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज हो जाएगी। अरे? पर नहीं, बच्चे जैसी जिद। अभी आप चुपचाप खड़े रहिए, मैं कुछ करता हूँ। कोई है? वॉचमैन अंकल। फंस गया लिफ्ट। क्या हो गया बाबा, कितने लोग फंसे लिफ्ट में? हमारे अंदाज से दो बचवा गए थे साहब, लगता है वही दोनों फंस गए हैं। तुम हमेशा अंदाज ही मारता रहता है तथारी साहब, इन्हें निकालिए, ये वॉचमैन हमारे बिल्डिंग में नहीं चाहिए। ये वॉचमैन देगा, मेंटेनेंस का पैसा नहीं देगा। नहीं सर, बाटली वाला सोसाइटी की मीटिंग नहीं चल रही है, यहाँ दो बच्चे फंस गए हैं और आप सोसाइटी मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। मिसेस बाटली वाला, दो बच्चे फंसे हुए हैं, यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अच्छा देखो बच्चों, देखो घबराना मत। देखिए ये लिफ्ट बंद हो गई है। हाँ घबराना मत, मैं कुछ कर रहा हूँ। ऑल राइट प्लीज प्लीज। वो देखो वो पांच नंबर का बटन दबाने की कोशिश करना। दबाओ बेटा दबाओ। अरे लाल बटन नहीं, पांच नंबर का। हाँ ओके। नहीं कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। मैं ये अरे एक मिनट रुकिए ना बाबा, ठीक हो जाएगा। एक सेकंड रुको। आप ट्राई करो। हाँ ओके।
तो दोनों बचवा नहीं सिन्हा साहब है कि दोनों बिल्डिंग में नए आए हैं हम पहचान हो नहीं सके। अरे थैंक यू जनार्दन, अगर तुमने नहीं देखा होता तो हम लोग तो फंसे गए। शुक्रिया हमको नहीं रोहित बाबू को कीजिए कि तो अमिताभ बच्चन की तरफ फटाक से हथवा डाले और सब आग से ठीक कर दी। बस बस वॉचमैन थैंक यू वेरी मच। यस यस रोहित अंकल तो हमारे बिल्डिंग के शाहरुख खान जैसे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ऑलराइट चलिए इसी बात पे एक एक कॉफी हो जाए। अभी नहीं सीना साहब कभी और। कॉफी ना सही टॉफी सही। ओके कैसा है हैंडसम बॉय? फाइन। अच्छा आप पहली बार हमारे घर में आए हो, बताओ क्या पियोगे? जूस। ओके कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? एप्पल या ऑरेंज? कुछ भी चलेगा अंकल। ओके तन्मय तुम आए कहाँ से हो? लखनऊ। अरे वाह लखनऊ। लखनऊ तो मैं भी गया हुआ हूँ हजरतगंज की चाट खाने। तुमने भी बहुत खाई होगी है ना? ओके कम आओ बैठो। सलाम। अच्छा तुम ना तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? भाई बहन? नहीं सिर्फ मैं और पापा हैं। अच्छा और मामा? पापा का डिवोर्स हो गया एक साल होने आया। तुम्हें मम्मी की बहुत याद आती होगी है ना? कभी कभी लेकिन मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि मुझे सिर्फ अब पापा के साथ रहना है। एक बात बताओ बेटा तुम मम्मी के साथ क्यों नहीं रह गए? अभी तो तुम इतने छोटे हो ना। कैसे रहता जब मम्मी नहीं चाहती थी? जिद करके रुक भी सकता था। कोर्ट में जज साहब को कह देता कि मुझे मम्मी के साथ रहना है तो फिर मम्मी के साथ रुक जाता। लेकिन फिर पापा अकेले पड़ जाते और उनकी देखभाल कौन करता? उस दिन ऑमलेट बनाते बनाते उनका हाथ जल गया था। यू नो अंकल आई हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस यू डू एंड यू विल हैंडल इट आई कैन सी दैट। ओके जूस पियो बेटा। तन्मय तन्मय अरे तुम यहाँ हो बेटा? मैं सोच रहा हूँ पता नहीं तुम कहाँ चले गए। मैं अंकल से बात कर रहा था। लो तुमने ही तो कहा था कि संडे को जुहू भी चलेंगे। यहाँ पर जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे मतलब? ऑटो रिक्शा से जाएंगे? नहीं मैं ऑटो रिक्शा से नहीं आऊंगा, टैक्सी कीजिए तो ही मैं आऊंगा। अरे यार तू तो बड़ा महंगा बच्चा होता जा रहा है। बेटा ऑटो से चलते हैं मजा आएगा। मैंने कहा ना नहीं। तन्मय इफ यू डोंट माइंड शुड आई से समथिंग? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी कार से चल सकते हैं। लो तुम्हारी तो मुराद ही पूरी हो गई। मैं तैयार होकर आ रहा हूं। तो ये मिस्टर चंदानी मैं अभी आ जाऊं? नो 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 प्रॉब्लम मैं आ रहा हूं जी। सॉरी बेटा मुझे तो ऑफिस जाना पड़ रहा है, अगले संडे को चलेंगे। क्या पापा बहुत बोर करते हैं। मैं इसे ले चलता हूँ। क्यों तो मैं मेरे साथ चलोगे ना? आप इसे ले? हाँ पापा मैं अंकल के साथ चला जाऊंगा ना। ओके थैंक यू। अच्छा बेटा तुम ये पैसे रख लो। सेना साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ आ रहा है पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा ओके एंजॉय योर सम बेटा। बाय बाय। I'll just come, okay? Come on, fast! Yeah! Yeah! Yes!
तो एक एनर्जी और एक चिप्स का पैकेट दे देना। इसको खोल दीजिए। मोहन टॉफी बेबी। गुड इवनिंग मैम। अरे तन्मय तुम किसके साथ आए हो? पापा के साथ? हाँ पापा के साथ। अच्छा किधर है पापा? वो खड़ा है ना। मम्मी नहीं आई? मम्मी वो पापा का डाइवोर्स हो गया था ना। ओ इट्स ओके। अच्छा बेटे बाय बाय मैम। तन्मय। हाँ Here you go. Yes. अपनी चलाते मम्मी तो उन्हें मेरी मुर्गी के एक टांग के एक बुला दी थी। मेरी मुर्गी के एक टांग। कम ऑन। अंकल आप रोज सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हैं? मॉर्निंग 9 o'clock। तो कल मैं आपके साथ चलूं? मुझे स्कूल ड्रॉप कर दीजिएगा। वैसे बस में मैं बहुत बोर हो जाता हूँ और फिर जो लड़के कार से आते ना उन्हें टीचर ज्यादा प्यार करती है। All right, no problem. लेकिन एक बात याद रखना तुम्हें। I am very punctual. 9 means 9, all right? Okay. Good morning, ma'am. Good morning, beta. तन्मय। हाँ? तन्मय अपना स्कूल का बैग तो लेते जाओ। Okay, uncle. Bye. Bye. See ya. Uncle. क्या शाम को आप मुझे लेने आ सकते हैं? वो क्या है ना स्कूल बस में मैं बहुत देर हो जाता है और फिर मुझे तेजी से भूख लगती है और फिर पॉल्यूशन से तो मेरी जान निकल जाती है और फिर मुझे अस्थमा भी हो सकता है ना। अस्थमा? हाँ। अच्छा बेटे मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगा। ऑलराइट नाउ स्टडी हार्ड। ओके ओके बाय थैंक यू। मेरा कद तुम्हारे रोहित अंकल जितना ऊंचा न सही लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा था कि तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया था। तुम्हें दूसरों की कार अच्छी लगती है लेकिन पापा का प्यार अच्छा नहीं लगता है। अब जाओ जाके कपड़े बदलो पढ़ने बैठो जाओ।
तन्मय, अंदर आओ। आज आप स्कूल नहीं गए? अभी जा रहा हूँ। ऑल राइट, मैं आपको स्कूल नहीं छोड़ सकता आज, ओके? I've got some other things to do यार। इट्स ओके अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो बेटा, क्या बात है? अंकल, मैंने अपने सारे दोस्तों को और क्लास टीचर को आपका फोन नंबर दिया है। क्यों, तुम्हारा फोन खराब हो गया क्या? नहीं नहीं, फोन खराब नहीं है, पर मेरे पापा। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? जब से उनका डिवोर्स हुआ है वो बहुत रूड हो गए। जब भी मेरे फ्रेंड का फोन आता है तो वो नाराज हो जाते हैं और फिर रॉन्ग नंबर कहकर रख देते हैं। लेकिन तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे इंसान है बेटा। अच्छे? अच्छे होते तो मम्मी ने छोड़कर क्यों चली जाती? बुरी बात तन्मय, ऐसा नहीं कहते। अंकल, आप मेरी एक बात मानेंगे प्लीज? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अंकल, जब भी मेरे दोस्त यहाँ फोन करेंगे तो आप उनसे बात कर लेंगे मेरे पापा बनकर? What? नहीं तन्मय, हाउ कैन आई डू दिस? ये गलत बात है अंकल, प्लीज। नो तन्मय, नो, आई कांट डू दिस। मैं ऐसा नहीं कर सकता तन्मय। लखनऊ में भी मेरा कोई दोस्त नहीं बना, यहाँ भी नहीं बनेगा। वहाँ भी सारे बच्चे मुझे चढ़ाते थे, यहाँ भी चढ़ाएंगे। आपको पता है, जब भी मेरे पापा क्लास में आते थे तो सबसे पहले तो हमारी क्लास टीचर उन पर हंस देती थी, और फिर सारे बच्चे मुझे ए बौने के बेटे, ए टिंगू के औलाद कहकर चिढ़ाते थे। मेरी कितनी लड़ाइयां होती थी स्कूल में, यहाँ भी सब कुछ वैसा ही होगा। मुझे तो लगता था कि आप मेरी मदद करेंगे, पर आप भी। एनीवे तन्मय, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ता हूँ, ओके? मैम, ये मेरे डैडी हैं। नमस्ते। नमस्ते, हेलो। लगता है हम पहले कभी मिल चुके हैं। लगता तो मुझे भी ऐसा है, मगर मेरे ख्याल से ये सच नहीं है। वैसे योर सन इज वेरी ब्राइट, वेरी शार्प। बेटा तन्मय, तुम क्लास के मॉनिटर बन सकते हो। रियली मिस? हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हें भी तुम्हारे पापा की तरह लीडरशिप क्वालिटीज हैं। थैंक यू मैम। ओके बेटा, सी यू इन द क्लास। हाँ, बाय बाय। ओके, ऑलराइट। मॉनिटर? हाँ। तन्मय, तुम इतनी देर देर तक रोहित अंकल को क्यों परेशान करते हो? मैं रोहित अंकल को परेशान करता हूँ? क्यों बाबा? सॉरी अंकल, मैं आपको परेशान करता हूँ? नहीं बेटा, इट्स मगर मैं तुम्हारा खाने पे इंतजार कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना, तुम्हारे बगैर मैं खाना नहीं खाता। चलो जल्दी। लेकिन मैंने तो रोहित अंकल के साथ खाना खा लिया है। आप जाइए ना बाबा, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा ना। तुमने ठीक नहीं किया बेटा। हेलो, ओ दीपा, कैसी हो तुम? तन्मय कहाँ है? दीपा, मैंने पूछा कैसी हो तुम? तन्मय से बात कराओ। ओ तन्मय तो पड़ोसी के यहाँ बैठा हुआ है। इतनी रात को पड़ोसियों के यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, वो क्या है, अकेला घर में बोर हो जाता है ना, तो मैं भेज देता हूँ कभी कभी। उससे कहना, कहिएगा कि कल रात 9 बजे मैं उसे फोन करूंगी, वो घर पर ही रहे। दीपा, मैं तन्मय का एडमिशन करवा दिया है। जानती हो दीपा, परसों रात को क्या हुआ, तन्मय अचानक नींद से उठकर कहने लगा कि
तुम वापस लौट आई हो। नहीं नहीं तन मैं कह रहा था कि उसने सपने में देखा कि तुम उसके पास बैठी उसके बाल सहला रही हो। दीपा तुम सुन तो रही हो ना? तन्मय से कहिएगा ऐसे सपने देखना छोड़ दे, ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे, कभी नहीं। अरे तन्मय आ गया है, उससे बात तो कर लो दीपा। हेलो पापा, आई एम सॉरी, मैं अभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाया करूंगा। मम्मी का फोन था ना, क्या कह रही थी? कह रही थी कि मेरा राजा बेटा कैसा है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? छुट्टी होगी उसे जरूर भेज देना। आप झूठ बोल रहे हैं ना पापा, है ना? To make 25 जुलाई को स्कूल में पेरेंट्स डे फंक्शन मनाया जाएगा। हर बच्चे को अपने मम्मी या पापा के साथ कोई एक्ट तैयार करना होगा। ये फॉर्म्स क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इन फॉर्म्स को अपने मम्मी या पापा से भरवाना होगा और उनसे ये लिखवाना होगा कि पेरेंट्स डे फंक्शन को वो कौन सा एक्ट करने वाले हैं। तन्मय, यस मिस, तुम अपने पापा से कहो कि पेरेंट्स डे पर कोई अच्छा सा एक्ट करें। ओके मिस, गुड डे। तन्मय सिन्हा और उसके पापा मिस्टर हिमालय सिन्हा पेश करने जा रहे हैं राजकुमार और उसके जोकर का मजेदार खेल। हेलो। हेलो जी, आप कौन बोल रही? दिस इज मनीषा कोयराला स्पीकिंग। आपको किससे बात करनी? जी मैं आप ही से बात करना चाहती हूँ मिस्टर हिमालय। देखिए मैं हिमालय नहीं, मैं रो। ओहो, मैं तन्मय की टीचर बोल रही हूँ। ओ मनीषा जी, अरे आपने तो मुझे वो कह ना कि इतने रॉन्ग नंबर लग जाते हैं, मैंने तो सोचा कि सचमुच फिल्म स्टार मनीषा का फोन आ चुका है। आप भी मेरी फुलिशनेस पर हंस रही होंगी। हाँ कहिए जी। मैंने तो इसलिए फोन किया कि तन्मय ने अभी तक अपना फॉर्म जमा नहीं किया, तो आप पेरेंट्स डे पर कौन सा एक्ट करने वाले हैं? मतलब क्यों, तन्मय ने आपको बताया नहीं? पेरेंट्स डे पर मदर या फादर को बच्चों के साथ कोई एक्ट तैयार करना होगा। हाँ हाँ, वो तन्मय ने मुझे कुछ बताया तो था, लेकिन देखिए मैं जिंदगी में कभी स्टेज पर नहीं गया हूँ। लेकिन जाना तो पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी, नहीं तो बच्चे के मार्क्स कटेंगे। अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो जल्दी से कोई अच्छा सा एक्ट तैयार कर लीजिए और फॉर्म भर दें, और अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो स्कूल आ जाइए। मे बी आई कैन गिव यू सम सजेशन। ओके ओके देन, या सी यू देन, बाय। हाँ ठीक है, ऑलराइट। अंकल, अंकल
ये फॉर्म भरकर मेरे स्कूल में भेज दीजिएगा, कल लास्ट डेट है, आपको पेरेंट्स डे में। हाँ, तुम्हारे टीचर ने फोन करके मुझे बता दिया है। But then, man, this is too much. तुमने मुझे अपनी टीचर के साथ मिलने के लिए कहा, मैं मिला, didn't I? लेकिन बार बार इस झूठ में शामिल होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये काम तुम्हें अपने पापा से करवाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं पेरेंट्स डे फंक्शन में जाऊंगा ही नहीं। मैं तो समझता था कि आप मुझे बहुत चाहते हैं, पर आप एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, झूठे हैं आप। मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं। तनु, ऐसा नहीं है। तनु क्यों कहा आपने मुझे? तनु नाम से सिर्फ मेरी मम्मी मुझे बुला सकती है, और उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया एक ऐसे आदमी के साथ जिसके साथ वो खुद नहीं रह सकी। आपको क्या मालूम, मेरे पापा बौने हैं, इसलिए मुझे क्या क्या तकलीफें नहीं सहनी पड़ती है। एक बड़ा पहाड़ रख दिया है भगवान ने मेरे सिर पर। लाओ तो मैं फॉर्म भर दूंगा। मैं तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, देर हो रही ना, चल जाओ जल्दी। मिस्टर रोहित, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं आपसे। जी कहिए। देखिए तन्मय आपके यहां आता जाता है, इसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू से दिस, दुख इस बात का है कि मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है। अपने मन की कोई बात अब वो मुझसे कहता नहीं, आपके पास रहता है तो हंसता खेलता रहता है, लेकिन घर पहुंचते ही चिड़चिड़ाने लगता है। सिन्हा साहब, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं तो उल्टा उसे समझाते रहता हूं, वही है जो तरह। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, प्लीज। तन्मय मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है, मैं उसके बगैर, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई उसे। अच्छा मैं चलता हूं, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। को जमा करने की लास्ट डेट आज है, आप इसे जमा कर दे तो। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। तन्मय, यस मिस। तुम्हारा फोन कहाँ है? मिस वो पापा लाने वाले हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्हें वो एक्ट सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके बेटा, नेवर माइंड, जल्दी ले आओ। मे आई कम इन मैम? क्वाइट एवरीबॉडी, क्वाइट चिल्ड्रन। कहिए जी, ये फॉर्म देना था। कौन सा फॉर्म? तन्मय का। तन्मय मेरा बेटा है। व्हाट? दरअसल वो फॉर्म घर पे भूल आया था, मैंने सोचा भर कर दिया हूँ।
तन्मय आपका बेटा है, लेकिन तन्मय ने तो किसी और को। अच्छा मैं चलता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब द क्लास। तन्मय तुमने मुझसे झूठ बोला? दिस इज नो वे, गो एंड स्टैंड अप एंड ऑफ दिस इडियट, गो एट वंस। सीधे बैठे रहो। तन्मय मैंने सोच लिया है हम क्या एक्ट करेंगे। पापा आप स्कूल में आए क्यों? मैंने मना किया था ना। तो क्या हो गया? मुझे आपसे नफरत है, नफरत। तन्मय स्टॉप दिस नॉनसेंस। आई वोंट। और आप में कौन सा बड़ा सेंस है जो मुझे नॉनसेंस कह रहे? मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी। और अगर आप स्कूल फंक्शन में आए ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है नहीं आऊंगा, मुझे भी कोई गरज नहीं है। हाँ आपको क्यों गरज होगी, आप तो मेरे पापा है ही नहीं। मम्मी ठीक कह रही थी, आई हेट यू। तूने स्कूल में क्या कहा? ये तेरी टीचर क्या कह रही थी? यही कहा था जो आप कह रहा हूँ। आप इस लायक हो ही नहीं जो मैं स्कूल में आपको पापा कहूँ। इसलिए मैंने रोहित अंकल को पापा बनाया था। और आपने, अब तो मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। टकमक टकमक करके कहीं भी चले आते हो। कौन है? बम्बन मट्टू कहीं के? क्या कहा तूने? हाँ कौन है आप? सही रास्ते पे लाना चाहता था लेकिन शायद कुछ गलत हो गया। आप जानते हैं उसके पापा का फोन आया था, कितने परेशान थे वो, कह रहे थे कि पेरेंट्स डे फंक्शन पर मिस्टर रोहित को उनके बदले में आने दिया जाए। देखो मनीषा, मैं पहले एक झूठ में फंस कर, नो मनीषा जी, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम एक और झूठ से सॉल्व की जाए। बेहतर यही होगा कि अब आप उनसे बात करें और समझाएं। ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा। And please, Mr. Himalay से भी बात करें, he was really shattered. जी जरूर। मुझे उस पर हक था। वैसे भी क्या गलत किया था तन्मय ने? अरे कौन बच्चा है जो चाहेगा कि उसका बाप मुझ जैसा हो? पौधा स्कूल में बच्चे सब उसका मजाक उड़ाते हैं, बिल्डिंग में, सोसाइटी में सब उसका मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे बेवकूफ हैं वो लोग जो सिर्फ इंसान की लंबाई से उसके कद को नापते हैं। जानते हैं रोहित साहब, बचपन में एक दिन जब बच्चों ने मुझे बोना 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 कहकर बहुत चढ़ाया था ना, तो मैं खूब रोया था। तब मेरे बाबा ने मुझे बुलाकर समझाया था कि देखो हिमालय, भगवान ने तुम्हें छोटा इसलिए बनाया है कि लोगों को जब तुमसे बात करनी हो तो वो तुमसे नजरें झुका कर बात करें और तुम उनसे सर उठा करके बात करो। तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया, मैं खुश रहने लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मेरा छोटापन सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे अपनों को भी छोटा करता है। खुद मेरे बाबा जी ने मुझे दिलासा दिया था, उनके दोस्तों के बीच अचानक आ जाता ना मैं, तो वो भी जेब से जाते थे, एक्सक्यूज़ देने लगते थे। अभी तो सिर्फ 13 साल का है, देखिएगा एक आध साल में तार जैसा लंबा निकल आएगा। और वो एक आध साल कभी नहीं आया, मैं वैसा का वैसा ही रहा हमेशा। देखिए हम सबका शरीर एक दूसरे से छोटा बड़ा तो जरूर हो सकता है, लेकिन हम सबको
एक सा दिल, एक सा दिमाग मिला है, और ये दो चीजें हैं जो हमें जिंदगी में बेहतर इंसान बनाती हैं। तन्मय अभी बच्चा है, he's at an impressionable age, शायद इसीलिए आपका ये कद उसके लिए शर्म की वजह बनती हो। लेकिन दीपा की एज तो इंप्रेशनेबल नहीं थी, मेरे बाबा की एज तो इंप्रेशनेबल नहीं थी। प्लीज प्लीज भाई साहब, आप मेरे तन्मय की खुशी के लिए उसके पापा बनकर जाइए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो कि मेरा तन्मय अपनी क्लास में हीरो बन जाए, प्लीज। लेकिन हिमालय साहब कहां गया? अरे तन्मय कहां गया? तन्मय यही तो था अभी। तन्मय चलो पानी से बाहर आओ। तन्मय कम आउट, पानी से बाहर आओ। कुछ नहीं होगा सिन्हा साहब, ये ठीक हो जाएगा। आप इसके हाथ मलिए सिन्हा साहब, हाथ मलिए। मेरा बच्चा, तन्मय मेरे बेटे, हाथ मलिए सिन्हा साहब, इसका पेट दबाइए। हाँ मेरे बच्चे, मैं हूँ डरो ना, मैं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा पापा बेटा, मेरे बच्चे, तुम्हारे पास। मंत्री जी प्रणाम। महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस राक्षस से लड़ सकता हूँ। तुम इतने छोटे से इंसान, तुम क्या लड़ोगे? मुझे एक मौका दिया जाए महाराज। ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
महाराज, मैंने उस राक्षस को खत्म कर दिया महाराज। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज। मुझे तुम पे नाज है। आई लव यू पापा।